आज हम डिस्कस करेंगे बॉटम रिलीफ्स ऑफ अटलांटिक ओशन, बॉटम रिलीफ्स ऑफ अटलांटिक ओशन। सबसे पहले बात करें कि ये है अटलांटिक, मिड अटलांटिक रिज, और ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिणी अमेरिका, और ये यूरोप, और ये अफ्रीका। यहाँ से आर्कटिक, ग्रीनलैंड और आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर अटलांटिक अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये चारों ओर से इस प्रकार से कवर है, और इसका आकार है जो मिड अटलांटिक रिज का आकार कैसा है, सेप, और सबसे अधिक अध्ययन इसी महासागर का सबसे अधिक अध्ययन इसी महासागर का हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो यह विश्व का कितने है, पूरी पृथ्वी की बात करें तो ये 1/6 भाग पर है इसका विस्तार, और प्रशांत का यह है 1/2 भाग, यानी कि आधा है। प्रशांत महासागर का कितना है, ये आधा ही है। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 820 वर्ग किलोमीटर। लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है, पूरे के पूरे का क्षेत्रफल। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल 820 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यह महासागर दक्षिण में अत्यधिक चौड़ा है, दक्षिण में अत्यधिक चौड़ाई है इसकी कितनी है, दक्षिण में चौड़ाई 3700 माइल, और अगर हम किलोमीटर में बात करें तो किलोमीटर में है 5920 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि दक्षिण उत्तर में इसकी चौड़ाई कम है और भूमध्य रेखा के पास बिल्कुल ही संकरी हो जाती है, फिर उत्तर में जाके थोड़ा फैलती है, यहाँ पर संकरी है, कम होती है, फिर उत्तर में थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन दक्षिण की अपेक्षा कम रहती है। उत्तर में है 40 डिग्री उत्तर की बात करें तो फिर से बढ़ जाती है, और कितनी है ये 3000 माइल या किलोमीटर में बात करें तो 4800 किलोमीटर है, यानी कि दक्षिण में ज्यादा चौड़ा भाग है अटलांटिक महासागर का, और उत्तर में भी थोड़ा ठीक सा हो जाता है ये, लेकिन
जीरो डिग्री के आसपास बिल्कुल संकरा हो जाता है। तो इसके बारे में आगे हम बात करें, मुख्य बातें क्या है, निर्माण कैसे हुआ है इस महासागर का। इसके निर्माण के लिए बताया गया है, एक तो वैगनर के अनुसार, तो वैगनर ने सिद्धांत दिया था अपना 1912 में। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार तो क्या होता है, ये वाला भाग जो है यूरोप और अफ्रीका से जो है दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के अलग होने से इसका निर्माण हुआ है। ये भाग पश्चिम की ओर सर गए हैं जिस कारण से अंध महासागर का निर्माण हुआ है। और इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक की बात करें या सी फ्लोर से प्लेडिंग के अनुसार क्या होता है कि मिड अटलांटिक रीज के सहारे क्या होता है, प्लेटों के अनुसार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो कि मॉर्गन ने दी है, उसके अनुसार क्या होता है प्लेटों का क्या हो रहा है, यहाँ से प्लेटों का डाइवर्जेंट हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही है, जिससे क्या है कि यहाँ पर अंध महासागर में मिड अटलांटिक रीज का निर्माण हुआ है नए मैग्मा के ऊपर आने से। और इसके अलावा सी फ्लोर सेपरेटिंग, सी फ्लोर सेपरेटिंग के अनुसार भी ये हैरिस ने दिया था 1960 में। इसके अनुसार मिड अटलांटिक रीज इसी का कारण है कि नई मैग्मा जो है नीचे से मैग्मा आ रहा है सागर में, फ्लोरिंग ये सी फ्लोरिंग सेपरेटिंग हो रही है। और इसके आसपास जो है नई चट्टाने हैं और इससे दूर जाने पर जो पुरानी चट्टाने हैं या पुरानी जो है संरचनाएं, और इसके आसपास जो नए मैग्मा का विस्तार होता है। तो इस प्रकार से वो अलग से डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसके बारे में। अभी हम बात करें तो ये प्रोसीजर कैसे चला निर्माण में ही, सात सौ वर्ष पूर्व की बात करें तो हम क्या होता है, सी फ्लोर सेपरेटिंग होता है, सी फ्लोर सेपरेटिंग होता है जिसे क्या होता है कि अटलांटिक महासागर का विस्तार होता है। 700 वर्ष पूर्व की बात करें तो विस्तार होता है, और 300 साल पूर्व की बात करें तो फिर से क्या होता है, फिर से दोनों प्लेटें ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यूरोप और अमेरिका से जुड़ जाते हैं दोनों। क्या होता है 150 वर्ष पूर्व क्या होता है कि फिर से पुनः महासागर का पुनः घूमना शुरू हो जाता है, और वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में क्या हो रहा है 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से क्या हो रहा है, आज भी इसका फैलाव जारी है, प्रति वर्ष के हिसाब से 4 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से। तो ये तो थी निर्माण की बातें अटलांटिक महासागर के बारे में। अभी हम इसके मुख्य उच्चावचों को पढ़ेंगे। मुख्य उच्चावचों में हम पहले हमने उच्चावचों को जैसे इससे पहले के लेक्चर में सारी की सारी जो समुद्रों में आंतरिक भागों में आकृतियां पाई जाती है उनको पढ़ लिया था। यहाँ पर उनके नाम इत्यादि के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जैसे बेसिन क्या होता है और रीज क्या होता है या फिर मगन तट ढाल क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें पढ़ी है। यहाँ पर सिर्फ उनके नाम ही आएंगे। तो इससे पहले की क्लास में हमने उनको अच्छे से कर लिया है। ये हम ज़्यादा लेक्चर लंबा ना हो जाए इसी वजह से सिर्फ महासागरों के हिसाब से यहाँ पर उनके नाम इत्यादि क्या क्या है, रिज के, बेसिन के, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उच्चावच में बात करते हैं हम हिंद अटलांटिक महासागर में उच्चावच में सबसे पहले मगन तट की बात करें तो इससे पहले की वीडियो में हमने बता दिया था कि मगन तट क्या होता है कि समुद्र में डूबे हुए भाग होते हैं महाद्वीपों के। तो इसमें हम देखते हैं कि इनका कितने से कितने तक है। इसी महासागर की बात करें तो 800 से दो से चार किलोमीटर तक भी चौड़े होते हैं। इतने चौड़े से ये 800 तक भी हो सकते हैं चौड़ाई इनकी। और दो से चार तक उत्तरी अमेरिका अभी हम मगन तट की बात करें अटलांटिक महासागर के मगन तटों में बात करें तो उत्तरी अमेरिका और देख ये यूरोप के जो है मगन तट अत्यधिक चौड़े हैं। कितने से कितने जैसे बात करें तो हम ये इनकी चौड़ाई है 240 से 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं इन दोनों तटों पर। और न्यू जैसे बात करें तो हम उत्तरी अमेरिका का न्यू फाउंडलैंड में क्या है फाउंडलैंड में ग्रांड बैंक जो है चौड़ा। और यूरोप में बात करें तो हम ब्रिटिश द्वीप में यूरोप में बात करें तो डागर बैंक चौड़ा है। और इसके बाद अगर हम बात करें दक्षिण की तरफ बात करें तो बहिया ब्लैंक तथा अंटार्कटिका जो है अत्यधिक चौड़े महाद्वीप के मगन तट पाए जाते हैं। और सागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में कौन कौन से सागर मिलते हैं। हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी है उत्तरी अमेरिका में, बाल्टिक सागर यूरोप में, उत्तरी सागर भी यूरोप में, डेविस
सागर की बात करें तो ये हमारा इधर ही आ जाएगा उत्तरी अमेरिका की तरफ, और डेनमार्क जो हमारा ग्रीनलैंड के पास सागर है, और कैरेबियन सागर है मैक्सिको के पास, और रूम सागर है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। तो ये तो थे सागर। हम बात करें अभी बात करें मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज की बात करें तो इसका आकार कैसा है? एस के आकार की है ये, एस के आकार की, और लंबाई है एस आकार है इसका, और लंबाई कितनी है इसकी टोटल? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 14,400 किलोमीटर है लंबाई। और इसके बाद हम बात करें मुख्य बिंदु, इसका उत्तरी और दक्षिणी भाग की बात करें तो हम ये हमारा 0 डिग्री है इनमें से। इसके उत्तरी भाग को कहा जाता है, इसके उत्तरी भाग को डॉल्फिन कटक कहा जाता है, कटक कहा जाता है नॉर्थ भाग को, इस कटक के नॉर्थ भाग को। मिड अटलांटिक रिज ये होगी पूरी एस के आकार की, इसका उत्तरी भाग है डॉल्फिन कटक, और दक्षिणी भाग है 0 डिग्री से दक्षिण की ओर, दक्षिणी भाग क्या है चैलेंजर, इसको क्या नाम दिया जाता है दक्षिणी भाग को चैलेंजर उपभाग, चैलेंजर उपभाग का नाम दिया जाता है। और इस कटक का उत्तरी कटक का जो है ऊपर में एक भाग है जो कि कहाँ चला जाता है सकोटा के पास चला जाता है, उस भाग को कहा जाता है, ये वाला भाग ऐसे जाता है इसको कहा जाता है, इस भाग को, इस वाले भाग को कहा जाता है विवर थॉमसन कटक है ये वाली। तो ये तो थे कटक की बात करें मुख्य। डॉल्फिन हो गया नॉर्थ में दो भागों में बांटे तो 0 को मान के, और चैलेंजर उबार हो गया, फिर इसी का डॉल्फिन का ये है जो उत्तरी भाग जो उसको टालों के पास जाता है उसको बोलते हैं विवर थॉमसन कटक। अन्य कटकों में आ जाती है जैसे न्यू फाउंडलैंड के पास न्यू फाउंडलैंड कटक इधर आ जाती है, फिर आते हैं उसके बाद कटक है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री मान लेते हैं। यहाँ पर कौन सी कटक आ जाती है हमारी 40 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पर आ जाती है हमारी रायो ग्रैंड उभार, रायो ग्रैंड
उभार आ जाता है और इसी अक्षांश के आसपास ही यहाँ से चैलेंजर के ये वाला भाग आ जाता है। चैलेंजर का एक भाग ऐसे चला जाता है अफ्रीका की तरफ और एक दक्षिणी अमेरिका की तरफ आ जाता है। दक्षिणी अमेरिका की तरफ आने वाला तो रियो ग्रैंड है जो कि यहाँ पर एक रियो ग्रद भी पाई जाती है 40 दक्षिणी अक्षांश से बात करें। और चैलेंजर उभार का ही एक भाग दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका की तरफ इधर चला जाता है, उस भाग को कहा जाता है दक्षिणी वालविन कटक। दक्षिण वालविन कटक ये वाला कटक यहाँ से। तो ये तो थे कटक हमारे, ये तो थे कटक और इसी कटक के सारे हम बात करें द्वीप में बात करें तो कौन कौन से द्वीप आ जाते हैं इस पर। ओजारक द्वीप है जिसकी ऊंचाई सर्वोत्तम है, ओजारक द्वीप यहाँ पे पड़ता है जिसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। कितनी है उसकी ऊंचाई ओजारक द्वीप है, ओजारक द्वीप है इसकी ऊंचाई कितनी है 7000 से समुद्र तल से 7 से 8000 मीटर तक ऊंचे, सॉरी फिट तक, फिट में दिया हुआ है फिट में। तो ओजारक का पीको द्वीप सर्वोत्तम है, पीको द्वीप सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी यहीं पर आते हैं, इसी पर मिड अटलांटिक रिज में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी भी आते हैं। बेसिन में बात करें तो हम द्रोणियों में बात करें तो क्या क्या ऊंचा बचाएंगे। द्रोणियों में बात करें तो एक तो आ जाती है हमारी लेब्राडोर बेसिन उत्तरी अमेरिकाई इन्हीं के नाम के आसपास ही मिलेगी, जहाँ जहाँ के नाम दिए हुए हैं जगह के इन्हीं के आसपास लेब्राडोर बेसिन और उत्तरी अमेरिकाई बेसिन, ब्राज़ील बेसिन ब्राज़ील के पास ही, स्पेनियन से यूरोप की तरफ, उत्तरी दक्षिणी केप वर्डे बेसिन आ जाती है, गायना बेसिन आ जाती है, अंगोला बेसिन आ जाती है, केप बेसिन आ जाती है, केप दे फिर अलबुलहास बेसिन आ जाती है। तो ये तो थे हमारे बेसिन जो कि अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। तो इसके बाद हम ट्रेंच की बात करें तो कौन कौन सी ट्रेंच आ जाती है इसमें। ट्रेंच की बात करें तो नरेस आ जाती है, नरेस ग्रद, प्रीटोरिको ग्रद आ जाती है, रोमांस आ जाती है, फिर विल्विस आ जाती है, फिर बुचानन आ जाती है और मसाले आ जाती है। रूम सागर को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि भूमध्य सागर को दो भागों में बांटा गया है पूर्वी और पश्चिमी। तो ये तो थे हमारे अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें। अभी हम इस वीडियो में तो सिर्फ अटलांटिक महासागर को ही डिस्कस किया है। सबसे अधिक जो ऊंची ग्रत है इसकी, सबसे ऊंची जो कटक है इसकी वो है ग्रत है इसकी रियो प्रीटोरिको है।
फ्रीडम रिपोर्ट है। थैंक यू।